हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री देवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चल रहा था सर्वे, उसी से रिलेटेड हम कंपास सर्वे के अंदर आज हम बात करेंगे पर्पस की, प्रिंसिपल की एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर कंपास सर्वे का बेसिक नॉलेज दिया गया है, और अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो कृपया वो देख लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे फर्दर जो भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम कंपास सर्वे का इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड, जो हम मेथड यूज करते हैं सर्वेइंग के अंदर, इज क्लासिफाइड इंटू ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग एंड ट्रैवर्स सर्वे। ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्स सर्वेइंग के अंदर हम उनको क्लासिफाइड कर देते हैं। ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस ऑफ नॉन लेंथ, जो एक सीरीज होगी किसकी, कनेक्टेड सर्वे लाइंस की, और उनकी लेंथ होगी वो नॉन होगी और डायरेक्शंस भी नॉन होंगी, इज कॉल्ड ट्रैवर्स। और जहाँ पे ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगुलेशन किससे करते हैं हम, चैन सर्वे से, जिसके बारे में डिटेल से डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो वहाँ पे ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करते हैं। इन ट्रैवर्सिंग व्हेन कंपास इज यूज फॉर मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स, जब एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास का, तो वो कंपास ट्रैवर्सिंग, अदरवाइज हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपास सर्वेइंग। इसके अंदर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू मेथड, जो मेथड हम सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके मेथड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग एंड सेकेंड है ट्रैवर्सिंग सर्वेइंग। जहाँ पे सर्वे लाइंस कनेक्ट हो रही है उनकी सीरीज को, जिनकी लेंथ नॉन होंगी और जो डायरेक्शंस भी नॉन होंगी, वो ट्रैवर्स कहलाएगा। जहाँ पे ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायंगुलेशन चैन और टेप से किया जाता है, वहां पे ट्रैवर्स मेथड यूज करेंगे। और ट्रैवर्सिंग के अंदर अगर हम कंपास का यूज करते हैं तो उसको हम कंपास ट्रैवर्सिंग या फिर कंपास सर्वेइंग बोलते हैं। ट्रैवर्सिंग के अंदर हम और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपास सर्वे की। तो यहाँ पे कंपास यूज करते हैं ट्रैवर्सिंग के अंदर, तो वो कंपास ट्रैवर्सिंग और कंपास सर्वेइंग कहलाता है। कंपास सर्वे कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर सूटेबल होता है, व्हेन द एरिया इज हिली एंड चैनिंग इज डिफिकल्ट। जब एरिया क्या हो, हिली हो और चैनिंग डिफिकल्ट हो, क्यों, क्योंकि चैनिंग हम यूज करते हैं फ्लैट एरियाज के अंदर, तो चैनिंग या हिली एरियाज के अंदर डिफिकल्ट होगी, तो वहां पे हम कंपास सर्वे करेंगे। व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज रिलेटिवली लार्ज एंड टू मेनी डिटेल्स, जब एरिया जिसका सर्वे कर रहे हैं वो लार्ज हो और डिटेल्स उसमें बहुत सारे हो। व्हेन द एरिया इज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स किसके अंदर होता था, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स चैनिंग के अंदर होता है, जबकि कंपास के अंदर हम ट्रायंगल्स नहीं बनाते हैं। तो जहाँ पे ट्रायंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे वहाँ पे हम कंपास सर्वे करेंगे, और कंपास सर्वे के अंदर हम ट्रैवर्सिंग यूज करते हैं। व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज लॉन्ग एंड नैरो, जब एरिया क्या हो, लॉन्ग हो और नैरो हो, फॉर एग्जाम्पल रोड और स्ट्रीम लाइक रिवर, रोड की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है अगर हम उस की विड्थ से उसका कंपैरिजन करें। व्हेन द सर्वे इज टू बी डन थ्रू डेंस फॉरेस्ट अंडुलेटेड एटसेट्रा, जब हम सर्वे कर रहे हैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर और अंडुलेटेड एरिया के अंदर, डेंस फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे पेड़ पौधे कंजस्टेड सा एरिया हो, वहाँ पे क्राउडेड एरिया हो, और अंडुलेटेड मीन्स उबड़ खाबड़ हो, वहाँ पे हम कंपास सर्वे यूज करेंगे। देन कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड, जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन होगा वहाँ पे हम कंपास सर्वे नहीं करेंगे। और लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन मीन्स ए कंपास नीडल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मासेस ऑफ आयरन एंड स्टील, जो कंपास की जो नीडल है वो अफेक्ट हो जाती है मासेस ऑफ आयरन, आयरन मीन्स लोहे की प्रेजेंस में, सच एज लैम्प पोस्ट, इलेक्ट्रिक केबल्स होंगी, स्टील के गर्डर्स एटसेट्रा, दे डिफ्लेक्ट द नीडल एंड द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्टरबेंस इज कॉल्ड द लोकल अट्रैक्शन। ये क्या करेंगे, नीडल को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, डिस्टरबेंस का एक इफेक्ट आ जाता है जिसको हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो कंपास सर्वे कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे हम चैनिंग नहीं कर सकते हैं, चैनिंग हम प्लेन एरिया के अंदर करते थे, इसको हम हिली एरिया के अंदर करते हैं, और लार्ज एरिया के अंदर, और जहाँ पे डिटेल्स बहुत ज्यादा हो, वहाँ पे जहाँ पे ट्राइंगल्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स अगर बने तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, चैनिंग करेंगे। लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एरिया हो और नैरो एरिया हो, लाइक रोड एंड स्ट्रीम, डेंस
फॉरेस्ट और अंडुलेटेड एरिया और को रिकमेंडेड नहीं करेंगे जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो। और लोकल अट्रैक्शन होता है कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाए, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, इन कंपास ट्रेवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर फिक्स्ड बाय एंगुलर मेजरमेंट्स एंड नॉट बाय फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। कंपास के अंदर ट्रेवर्सिंग की जाती है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर फिक्स्ड बाय द एंगुलर मेजरमेंट्स, और सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स की जाती है एंगुलर मेजरमेंट से। इस तरह से एक एंगल पे, स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये, एक एंगल पे जा रही है। नॉट बाय फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स नहीं बनाते हैं। ए कंपास सर्वे इज वन इन विच द ट्रेवर्स वर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस। कंपास सर्वे एक ऐसा ट्रेवर्स का वर्क है, किसका वर्क है, ट्रेवर्स वर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस से बनता है, लेंथ एंड डायरेक्शन। ये तो लेंथ, और इससे क्या होगा, कंपास से हम डायरेक्शन मेजर करेंगे, विच आर मेजर्ड विद चेन और टेप। चेन और टेप से हम क्या मेजर कर लेते हैं, लेंथ। एंगुलर मेजरमेंट हम कंपास से करते हैं। कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल है ट्रेवर्सिंग, और ट्रेवर्सिंग कैसे बनाते हैं हम, एंगुलर मेजरमेंट्स लेके, और एंगुलर मेजरमेंट्स कंपास से ली जाती है, और जो लेंथ है वो मेजर की जाती है चेन से और टेप से। इसके अंदर ट्रायंगल्स नहीं बनते हैं, ट्रेवर्स बनते हैं। जबकि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल था ट्रायंगुलेशन एंड कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल है ट्रेवर्सिंग। अब जो ट्रेवर्स बनते हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं क्लोज ट्रेवर्स एंड ओपन ट्रेवर्स, कि ट्रेवर्स क्लोज भी हो सकते हैं, इस तरह से क्लोज हो जाए, और इस तरह से ओपन रह जाए। तो क्लोज ट्रेवर्स, ए क्लोज ट्रेवर्स इज ए ट्रेवर्स इन विच द साइड्स ऑफ ट्रेवर्स फॉर्म ए क्लोज पॉलीगन। एक पॉलीगन बना दे क्लोज टाइप का, कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके उसका एंड हो जाए, तो वो एक पॉलीगन बना दे क्लोज पॉलीगन, वो होगा क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स के अंदर एक पॉलीगन नहीं बनाता है, नॉट फॉर्म ए क्लोज पॉलीगन, वो हम क्या बोलेंगे, ओपन ट्रेवर्स बोलेंगे। तो क्लोज ट्रेवर्स इट मींस एक क्लोज पॉलीगन बना देता है, और ओपन ट्रेवर्स के अंदर क्लोज पॉलीगन नहीं बनता है। चेक कैसे करेंगे कि ट्रेवर्स है वो क्लोज है या ओपन है, उसको चेक करने के लिए कुछ चेक अप्लाई करते हैं हम क्लोज ट्रेवर्स के लिए, जिसमें सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल्स है 2n-4 इंटू में 90 डिग्री। इट मींस जो इंटीरियर एंगल्स, ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम है वो होना चाहिए 2n-4 इंटू में 90 डिग्री के इक्वल, और सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो आना चाहिए 2n+4 इंटू में 90 डिग्री। ये है एक्सटीरियर एंगल्स, इनका अगर हम सम करें तो ये आना चाहिए 2n+4 इंटू में 90 डिग्री के इक्वल। द अल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल्स शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री आना चाहिए डिफ्लेक्शन एंगल का सम। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा कि यहाँ से अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये वाला जो हमारे पास एंगल बनेगा इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो जितने भी डिफ्लेक्शन एंगल होंगे उनका अल्जेब्रिक सम 360 के इक्वल होना चाहिए, और राइट हैंड डिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। राइट हैंड की साइड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड की साइड में डिफ्लेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो चेक कैसे करेंगे कि ट्रेवर्स क्लोज्ड है या ओपन है, तो चेक है इंटीरियर एंगल्स, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम होना चाहिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए 2n+4 इंटू में 90 डिग्री, और जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है इसका जो अल्जेब्रिक सम है वो आना चाहिए 360 डिग्री। तो राइट हैंड साइड का जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपास सर्वे से रिलेटेड, जिनके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनका कंपास सर्वेइंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, द डायरेक्शन शोज बाय ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल। डायरेक्शन जो फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है वो शो करती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, विच इज मैग्नेटाइज एंड बैलेंस प्रॉपरली विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेटाइज एंड बैलेंस होगी प्रॉपरली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस वो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक नीडल बिना किसी इन्फ्लुएंस के जहां पे भी जाके रुकेगी वो उसका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक बियरिंग। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन से जो बियरिंग लेंगे हम, लाइक ये लाइन ए और बी के हमें बियरिंग लेनी है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से ये जो
बियरिंग ली जाएगी। हमने देखा था कि बियरिंग क्या होता है, एक एंगल होता है। ये जो बियरिंग ली जाएगी इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन और नॉर्थ। मैग्नेटिक मेरिडियन से अदरवाइज मैग्नेटिक नॉर्थ से, तो ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ से लिया जाए या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रू मेरिडियन, द लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन पास होती है उसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। ट्रू मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ पे हर जगह पे सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो ये कहां से कहां तक होती है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू जियोग्राफिकल साउथ पोल। नेक्स्ट ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग क्या होगी, जो ट्रू मेरिडियन से ली गई बियरिंग होगी वो ट्रू बियरिंग होगी। द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन। ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच की जो बियरिंग होगी उसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे। द ट्रू बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ट्रू नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में ये ट्रू नॉर्थ है, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एट नून द सन इज एग्जैक्टली ऑन द जियोग्राफिकल मेरिडियन। नून पर जो सन है वो जियोग्राफिकल मेरिडियन पे होता है, हेंस द ट्रू बियरिंग ऑफ द सन एट नून 0 और 180 डिग्री। तो ट्रू मेरिडियन जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो लाइन पास होती है उसे बोलते हैं, और इसको जियोग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं। और ट्रू बियरिंग जो ट्रू मेरिडियन से ली गई बियरिंग होगी और क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर, और सन एट नून ये बियरिंग हो जाएगी 0 डिग्री और 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज आर्बिट्री मेरिडियन, इन केस ऑफ स्मॉल वर्क्स, छोटा वर्क हो, इन प्लेस वेयर द ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जहाँ पे हम ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, देन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन अज्यूम एज मेरिडियन। तो कोई भी हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी डायरेक्शन को एज ए मेरिडियन अज्यूम कर लेते हैं फॉर मेजरिंग, सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर कर लेंगे वहां से, तो वो होगा आर्बिट्री मेरिडियन। तो एक ऐसा मेरिडियन जो ना ट्रू मेरिडियन है ना ही मैग्नेटिक मेरिडियन है, हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अज्यूम किया है जो मेरिडियन, उसको हम बोलेंगे आर्बिट्री मेरिडियन, और ये स्मॉल वर्क्स के अंदर यूज किया जाता है। और आर्बिट्री बियरिंग क्या होगी, जो कि आर्बिट्री मेरिडियन से ली जाएगी वो आर्बिट्री बियरिंग हो जाएगी। तो ये एक लाइन है, इसकी अगर हमें बियरिंग लेनी हो तो ये आर्बिट्री मेरिडियन है, आर्बिट्री नॉर्थ है, ये आर्बिट्री साउथ है, क्या अगर हम एंगल लेते हैं तो ये तो हो जाएगी आर्बिट्री बियरिंग। ये जो अज्यूम किया है मेरिडियन इसको हम बोलेंगे आर्बिट्री मेरिडियन। नेक्स्ट वन इज ग्रिड मेरिडियन, समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप सम स्टेट एजेंसीज अज्यूम सेवरल लाइंस पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन फॉर ए पर्टिकुलर जोन। जब कोई स्टेट एजेंसी किसी मैप को प्रिपेयर करती है तो वो अज्यूम कर लेती है पैरेलल लाइंस टू द ट्रू मेरिडियन के जो पैरेलल लाइंस है किसी भी पर्टिकुलर जोन के अंदर, तो उन लाइंस को ग्रिड लाइंस बोलते हैं और सेंट्रल लाइंस बोलते हैं, और अगर उनको हम एज ए मेरिडियन यूज कर रहे हैं तो वो हम ग्रिड मेरिडियन हो जाएगा। और इस ग्रिड मेरिडियन से सर्वे लाइन के बीच के अंदर जो एंगल बनेगा उसको हम ग्रिड बियरिंग कहते हैं। तो ग्रिड मेरिडियन क्या हुआ, जब हम कोई मैप प्रिपेयर करते हैं तो स्टेट एजेंसीज होती हैं वो अज्यूम कर लेती हैं जो ट्रू मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस जा रही हैं उनको एज ए मेरिडियन यूज कर लेती हैं, उन्हें ग्रिड लाइंस और सेंट्रल लाइंस बोलते हैं, और उसको अगर हम एज ए मेरिडियन यूज करें ग्रिड मेरिडियन हो जाएगा। और इसी ग्रिड मेरिडियन से जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है उसको हम ग्रिड बियरिंग बोलते हैं। जो बियरिंग है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बियरिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग टू सिस्टम। बियरिंग दो सिस्टम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, सेकंड है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। फर्स्ट होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था बट एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज, की मेजर की जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ ऑफ मेरिडियन। नॉर्थ मेरिडियन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि ये लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ए लाइन, तो इस ए लाइन की अगर हम होल सर्कल बियरिंग की बात करें तो ये हो जाएगी थीटा वन, देन थीटा टू अगर देखे तो ये लाइन है बी, रेफरेंस मेरिडियन है, नॉर्थ से मेजर की जा रही है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वो हो जाएगी थीटा टू। इसी तरह से सी लाइन की हो जाएगी थीटा थ्री एंड डी लाइन की हो जाएगी थीटा फोर, और इसको हम मेजर करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास से। प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास के बारे में डिटेल से डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो होल सर्कल बियरिंग के अंदर एक रेफरेंस मेरिडियन से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो बियरिंग ली जाएगी उसे हम होल सर्कल बियरिंग बोलेंगे और इसके लिए हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वाड्रेंटल बियरिंग, इसी को हम रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह साउथ से अगर हम मेजर करते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जो भी क्लोजर होगा लाइन के उससे हम मेजर करेंगे। लाइक ओ से ए है वो नियर है नॉर्थ से, और जो बी है वो नियर है साउथ के, तो इसको हम नॉर्थ से मेजर करेंगे लाइन को, और बी लाइन को हम साउथ से मेजर करेंगे। टुवार्ड्स द ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट की साइड हो या फिर वेस्ट की साइड हो, इज नोन एज क्वाड्रेंटल बियरिंग, उसे हम क्वाड्रेंटल बियरिंग कहते हैं। द फ्रेम वर्क कंसिस्ट ऑफ फोर क्वाड्रेंट, इसको हम फोर क्वाड्रेंट के अंदर बांट देते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन है, तो इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का एक क्वाड्रेंट हो गया, ईस्ट साउथ का सेकंड, साउथ वेस्ट का थर्ड क्वाड्रेंट एंड वेस्ट नॉर्थ का फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से चार क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने इसको बांट दिया है। क्वाड्रेंटल बियरिंग आर मेजर्ड बाय द सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास से क्वाड्रेंटल बियरिंग को मेजर किया जाता है। अगर हम ओ ए लाइन की बात करें, ओ से ए, तो इसको लिखेंगे नॉर्थ, फिर इसका 60 डिग्री, और कौन सी साइड में, ईस्ट साइड में, तो ईस्ट, तो नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट साइड में। ओ से बी, तो ये साउथ डायरेक्शन के अंदर है, तो साउथ 32 डिग्री और ईस्ट साइड में है, तो साउथ 32 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से ओ सी, ओ से सी, ये भी साउथ से मेजर करेंगे, तो साउथ 39 डिग्री और नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट, तो साउथ 39 डिग्री वेस्ट। इसी तरह से ओ डी नॉर्थ के पास में है, तो नॉर्थ 45 डिग्री और वेस्ट। नॉर्थ और साउथ से ही मेजर करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को हम पहले नहीं लिखेंगे, ये सेकंड डायरेक्शन आएंगी। अगर ईस्ट साइड में है तो सेकंड डायरेक्शन लास्ट में ईस्ट आ जाएगी, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो लास्ट में वेस्ट आ जाएगी, बट फर्स्ट डायरेक्शन या तो नॉर्थ होगी या साउथ होगी। अब हम क्वाड्रेंटल बियरिंग को कन्वर्ट करते हैं होल सर्कल बियरिंग के अंदर, तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि लाइन है ओ से ए, ओ से ए लाइन है, तो अभी हमने देखा था कि इसको लिखेंगे नॉर्थ 60 डिग्री और ईस्ट, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ये हमने लिखा है क्वाड्रेंटल बियरिंग के अंदर। अब अगर इसको होल सर्कल बियरिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो होल सर्कल बियरिंग के अंदर नॉर्थ से ही मेजर किया जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इट मींस ये कितना होगा 60 डिग्री। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं लिखी जाती है, ओनली एंगल लिखा जाता है, तो ये होगा 60 डिग्री। इसी तरह से ओ से बी, ओ से बी को अगर हम मेजर करेंगे तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी साउथ 32 डिग्री और ईस्ट, और अगर इसको होल सर्कल बियरिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल है 180 डिग्री, इसमें से ये वाला 32 डिग्री माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ एंगल है वो क्या आ जाएगा 148 डिग्री। इसी तरह से साउथ 39 डिग्री वेस्ट, साउथ 39 डिग्री वेस्ट, ओ सी लाइन है, इसके अंदर 180 डिग्री तो ये है नॉर्थ और साउथ, ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, इसमें प्लस कर देंगे 39 डिग्री, तो ये हो जाएगा 219 डिग्री। इसी तरह से ओ से डी को अगर हम मेजर करते हैं तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, वेस्ट साइड में है, तो टोटल कितना हो गया, पूरा सर्कल आ गया 360 डिग्री का, इसमें से ये 45 अगर माइनस करेंगे, 45 माइनस करने पे ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है और कहाँ कहाँ पे हम कंपास सर्वे का यूज करते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, और होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में और क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग के अंदर चेंज करना। आई होप सो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपास और उसके कौन से जो प्रोसीजर है और उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आगे फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे।